इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू चेंज टेम्परेचर यूनिट। अगर मान लीजिए हमारे पास में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको कैसे केल्विन में चेंज करना है और केल्विन के टेम्परेचर को कैसे हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है 273.15 केल्विन के, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। यहां एक फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं। 0 यानी कि डिग्री सेल्सियस है, 0 नहीं है, यानी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, यानी कि डिग्री सेल्सियस का तापमान इज इक्वल्स टू केल्विन का तापमान माइनस 273। इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 0.15 का यूज नहीं करते हैं जनरली। अगर आपको वैल्यूज जो हैं वो दे रखी हैं पॉइंट में भी, तब आप पॉइंट का यूज करिएगा, अदरवाइज आपको 0.15 को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, यानी कि जो केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है इसको अब हम देखेंगे सेल्सियस में चेंज करना। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में दे रखा है 470 केल्विन, इसको हमें चेंज करना है सेल्सियस में। तो हमारा फॉर्मूला था डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस में हमें इसको चेंज करना है, तो हम लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 470, यानी केल्विन कितना है 470 है, माइनस का 273। तो डिग्री सेल्सियस इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास में स्टूडेंट्स आ जाएगा 197, यानी कि ये तापमान जो होगा वो डिग्री सेल्सियस में 197 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स 173 केल्विन, इसको भी हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास में है फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। तो देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन कितना है हमारे पास में 173 है, माइनस का 273। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख लेते हैं हमारे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर 173 के टेम्परेचर है तो वो इक्वल होगा माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस के। अब हम देखेंगे चेंज इनटू केल्विन, यानी अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करना है, तो इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूले का उसी का यूज करना है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273। अब आपको जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस की जगह 30 रख देंगे इज इक्वल्स टू के माइनस का 273। अब हमको यहां से के की वैल्यू निकालनी है तो ये 30 इधर ही रहेगा और यहां पे देखिए 273 नेगेटिव का है तो इधर जाकर के पॉजिटिव का हो गया। तो हमारा जो टेम्परेचर था वो केल्विन में आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा 303 केल्विन, यानी 303 केल्विन। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे हमको माइनस 71 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस में कितना तापमान है माइनस का 71, केल्विन को केल्विन की जगह के रख देंगे और 273, तो के इज इक्वल्स टू माइनस का 71, ये 270 जो 3 है वो कैसा है नेगेटिव का है तो राइट हैंड साइड में जाकर के पॉजिटिव का हो गया। तो हमने इसको रख दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 202 केल्विन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हम सीख चुके हैं चेंज करना केल्विन से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।